गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट न्यू चैप्टर इन इंग्लिश लिटरेचर दैट इज चैप्टर एट इन्फेंट रेस्क्यू इन्फेंट मीन्स यंग चाइल्ड और बेबी को बोला जाता है एंड रेस्क्यू मीन्स डेंजर से सेव करना बचाना लेट्स द चैप्टर द रोड फ्रॉम मैथुपलायम टू थैकम पट्टी लुक्ड ब्यूटिफुल इन द ब्राइट मून लाइट मैथुपलायम से थेकम पट्टी तक की जो रोड है वो ब्राइट मून लाइट यानी रात के टाइम बहुत अच्छी दिख रही है द हील्स इन द डिस्टेंस एंड द फॉरेस्ट विथ इट्स लीफी ट्रीज शोन विथ अ सिल्वरी लाइट डिस्टेंस पे जो हील्स दिखाई दे रहे हैं और जो फॉरेस्ट है जो कि लीफी ट्री से कवर्ड है वो बहुत ही शोन चमक रहे हैं सिल्वरी लाइट यानी मून की जो लाइट होती है उससे इन द सालेंस ऑफ द नाइट देअर वॉज द साउंड ऑफ अ ट्रैक्टर अ फार्मर रिटर्निंग होम रात का टाइम है बहुत साइलेंस है बट सिर्फ एक साउंड सुनाई दे रहा है जो कि वो ट्रैक्टर का है उसे कौन चला रहा है एक फार्मर जो कि रिटर्न हो रहा है अपने घर इन द डिस्टेंस ही कुड सी सम एलिफेंट्स थोड़ी डिस्टेंस पर वो क्या देखता है कुछ एलिफेंट्स को दे विल गो बैक इन टू द फॉरेस्ट सून ही थाट और वो क्या सोचता है कि ये जल्दी ही फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगे बट द एलिफेंट्स थाट डिफरेंटली एज ही कैम्प अ लिटल क्लोजर ही सॉ अ का एलिफेंट ब्लॉकिंग द रोड वो क्या सोच रहा था फार्मर कि ये कुछ एलिफेंट्स हैं जो कि जल्दी फॉरेस्ट की तरफ चले जाएंगे बट एलिफेंट ऐसा नहीं सोच रहे थे वो जैसे ही थोड़ा पास में आता है उन एलिफेंट्स के वो क्या देखता है कि एक काओ एलिफेंट मदर एलिफेंट रोड को ब्लॉक करके खड़ी है शी सीम्स नर्वस और वो कैसे दिखाई दे रही है नर्वस दिखाई दे रही है समथिंग वॉज रॉन्ग ही टर्न ऑफ द इंजन एंड वेटेड फॉर सम टाइम वो अपना इंजन को ऑफ करता है ट्रैक्टर के इंजन को ऑफ करता है और वहीं पर कुछ टाइम वेट करता है बट द एलिफेंट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस लेकिन जो एलिफेंट है वो धीरे धीरे रेस्टलेस होती जाती है रेस्टलेस मीन्स उसे अनइजी फील हो रहा है ही डिसाइडेड टू अलॉट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वो फार्मर क्या डिसाइड करता है ये देखने के बाद कि उसे क्या करना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अलॉट कर देना चाहिए मीन्स ये इंफॉर्मेशन उसे वहाँ दे देनी चाहिए पी सरद कुमार अ फॉरेस्ट गार्ड एंड फाइव अदर केम क्विकली जैसे ही वो फार्मर इन्फॉर्म करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पी सरद कुमार एक जो फॉरेस्ट गार्ड है और फाइव अदर मेंबर उसके साथ वहाँ जल्दी से आ जाते हैं द एलिफेंट वॉज नियर द बैंक ऑफ द भवानी रिवर एलिफेंट कहा था भवानी uh, रिवर के किनारे पर दे स्पेंड थ्री आवर्स ट्राइंग टू सेंड द एलिफेंट बैक इन टू द फॉरेस्ट और उन सभी ने वहाँ पर थ्री आवर्स स्पेंड किए सिर्फ उस एलिफेंट को उस फॉरेस्ट में भेजने के लिए बट शी वुड क्रॉस द रोड एंड देन कम बैक टू द सेम स्पॉट वेयर दे हैड फाउंडर बट वो जो एलिफेंट थी वो क्रॉस तो कर लेती थी रोड बट वो वापस वहाँ आ जाती थी थोड़ी देर में जहाँ पर उन्होंने उसे फर्स्ट टाइम देखा वाए दे वंडर्ड और वो ये सोचने लगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है एज इफ़ टू आंसर देयर क्वेश्चन दे हर्ड द क्राई ऑफ अ बेबी एलिफेंट जैसे वो अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते तभी उन्हें क्या सुनाई देता है एक क्राई सुनाई देती है बेबी एलिफेंट की बट वेयर वॉज इट बट वो कहाँ है दे स्टार्ट सर्चिंग एंड फाउंड द काफ और वो सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि वॉइस कहाँ से आ रही बेबी एलिफेंट की और उन्हें कौन मिलता है एक काफ काफ मीन्स एनिमल के बेबी को बोला जाता है अ टेन डे ओल्ड बेबी विथ अ टेंडर वो एक टेन डे ओल्ड बेबी को वहाँ देखते हैं बहुत ही जेंटल सा पिंक टिप्ड ट्रंक जिसकी पिंक ट्रंक थी एंड फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन इट्स हेड एंड बैक और बहुत ही सॉफ्ट हेयर थे उसके हेड एंड बैक में दे फेल सो सॉरी फॉर द लिटल केचर और उसे देखकर उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा था द लिटल थिंग वॉज स्टक इन अ सैंडी होल वीक एंड टायर्ड फ्रॉम हंगर जो बेबी एलिफेंट था वो स्टक हो गया था एक सैंडी होल में मिट्टी के एक होल में वो स्टक हो गया था बहुत ही वीक लग रहा था और टायर्ड लग रहा था हंगर से The rescuers quickly made arrangements to feed the baby with glucose and coconut water. Rescuers कौन होते हैं जो बचाते हैं किसी को किसी प्रॉब्लम से तो वो जल्दी से अरेंजमेंट करते हैं उस बेबी को कुछ खिलाने की तो वो ग्लूकोज और कोकोनट वाटर लेकर आते हैं दे मैनेज टू लिव द काफ आउट ऑफ द सैंडी पेट और वो उसे उस सैंडी सैंडीपेट से वहाँ से उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसे वहाँ से निकाल लेते हैं बट द काफ़ वॉज स्टिल टू फ्रेटनेंट एंड वीक टू वॉक ऑन इट्स ओन पर वो उसे निकाल तो लेते हैं बाहर पर वो काफ इतना डरा हुआ था और इतना वीक था कि वो खुद से वॉक भी नहीं कर पा रहा था द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स न्यू दैट द मदर वॉज़ क्लोज बाय और जितने भी फ़ॉरेस्ट ऑफिशियल्स है उन्हें ये पता था कि उसकी मदर यहीं कहीं है इफ़ दे डिड नॉट एक्ट फास्ट द मदर कुड अटैक दैम अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया काफ की जो मदर है वो क्या करेगी उन पर अटैक कर देगी देन दैट वॉज वैन शरद कुमार डिसाइडेड टू डू अ ग्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ब्रेवरी तभी शरद कुमार ने क्या डिसाइड किया एक ब्रेवरी एंड काइंडनेस एक्ट पिक्ड अप द काफ कैरिड इट ऑन हिज शोल्डर एंड वॉक टूवर्ड्स द फॉरेस्ट अब उसने क्या किया शरद कुमार ने उस बेबी को बेबी काफ को उसने पिक किया अपने शोल्डर पर उसे बिठाया एंड फॉरेस्ट की तरफ लेकर गया इट वॉज क्विकर एंड सेफर दैट वे वो जो वे था वो जल्दी भी पहुंचा देता एंड सेफली उसे वहां पहुंचा सकते थे आफ्टर केयरिंग द बेबी एलिफेंट फॉर अबाउट फिफ्टी मीटर्स इट डाउन नियर अ वाटर होल होपिंग द मदर वुड फाइंड इट उसे बेबी को कैरी करते हुए जब वो फिफ्टी मीटर्स कवर कर लेते हैं तो वो उस बेबी को एक वो, एक वाटर होल के पास उसे ड्रॉप कर देते हैं ये होप करते हुए कि उस, उसकी मदर उसे वहाँ ढूंढ ले अ फ्यू आवर्स लेटर शरद कुमार वेंट टू द वाटर होल द काफ वॉजन देयर कुछ आवर्स बाद जब शरद कुमार वापस वहाँ आता है वाटर होल के पास तो वो देखता है कि वहाँ काफ नहीं है द मदर एंड हर काफ हैड गॉन सेफली इन टू द फॉरेस्ट बेबी और उसकी जो मदर है वो सेफली फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट में जा चुके हैं He heard an elephant trumpet. Maybe it was her way to saying thank you for rescuing my infant. इन्फेंट शरद कुमार को क्या सुनाई देता है एक एलिफेंट की ट्रम्पिट यानी जो एलिफेंट जो साउंड निकालते हैं उसे ट्रम्पिट बोला जाता है तो उसे एलिफेंट की ट्रमपिट सुनाई देती है और मे बी वो क्या था वो जो मदर एलिफेंट थी वो उसे थैंक यू बोल रही थी उसके बेबी को रेस्क्यू करने के लिए सो देट वॉज द स्टोरी ऑफ इन्फेंट रेस्क्यू Kindly read the chapter again and complete difficult words and their meaning in English literature notebook. Thank you.